नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर घरों में रखे पवित्र ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें इन्हें पढ़ने का सही तरीका और सही नियम मालूम होता है? क्योंकि अगर हम सही तरीके और सही नियम से अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का सही नियम क्या होता है और इसे किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि हमें इसका पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति हो, और भागवत गीता के पाठ से हमें क्या लाभ होता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। भागवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर भागवत गीता में समाहित होता है। आप जितनी बार भी इसका पाठ करेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता हमारे हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे, उन्हीं उपदेशों को गीता कहा जाता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति तथा कर्म और जीवन आदि के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। गीता में हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही एक ना एक दिन प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी होती है। इन सभी गूढ़ सवालों के जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं, लेकिन सवाल यह होता है कि श्रीमद् भागवत गीता का पूरा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार हमें पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। ये स्तर हमें ज्ञान प्राप्ति के हर मार्ग में जरूर अपनाने चाहिए। पहला होता है श्रवण या पाठन ज्ञान, दूसरा है मनन ज्ञान, तीसरा है निधि ध्यासन ज्ञान, चौथा है अनुभव ज्ञान। इन 4 स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता प्राप्ति होती है और इससे समुचित लाभ भी मिलता है। इसका अर्थ यह होता है कि आप पहले पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसके बाद आप पढ़े और सुने हुए ज्ञान के बारे में चिंतन या मनन करते हैं। यदि आपको वह ठीक और उपयोगी लगता है, तब आप उसका अभ्यास करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे और उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल आपको कैसे प्राप्त होगा? यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम भगवत गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे नहीं, तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएंगे। अब सवाल आता है कि कितनी बार श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहिए और इससे क्या लाभ प्राप्त होगा। जब हम पहली बार श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं,
तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में ही पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ आता है कि कौन किसके पिता है और कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो हमें मन में कुछ सवाल जागृत होने लगते हैं, ऐसा क्यों किया गया है और वैसा क्यों किया गया है। जब हम तीसरी बार गीता को पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होने लगती है। छठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान ही हमारे सामने ये सारी बातें बता रहे हैं जो इस वक्त हम गीता में पढ़ रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह पूर्णतः एहसास हो जाता है कि श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने का क्या नियम होता है, अब हम आपको ये बताते हैं। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता भरपूर रूप से विद्यमान होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान पर बैठकर हमें जमीन पर आसन लगाकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में हमें भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप इस बताए गए तरीके से गीता का पाठ करते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और साथियों में इसे शेयर जरूर कीजिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।